डिंपल यादव को लग रहा था मैनपुरी से चुनाव हार जाएंगी, फिर मायावती ने किया ऐसा काम कि टूट गए सारे रिकॉर्ड। अखिलेश यादव से दुश्मनी, लेकिन इसके बाद भी ऐसा क्या हुआ कि डिंपल के लिए मायावती माँ बनकर खड़ी हो गई। डिंपल यादव ने अपने ससुर का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, मायावती ने डिंपल को कैसे बना दिया मुलायम का अगला वारिस। बीजेपी को इस बार लग रहा था कि मैनपुरी में इस बार कब्जा कर लेगी, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ की भी पूरी प्लानिंग फेल हो गई। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब डिंपल यादव ने अपने ससुर मुलायम सिंह यादव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीजेपी डिंपल यादव को हराने में लगी थी, लेकिन क्या आपको पता है कि डिंपल यादव की जीत के पीछे की कहानी लिखने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद मायावती है। इस तस्वीर को देखिए, जब डिंपल यादव मायावती के साथ एक मंच पर खड़ी हैं, इसी मंच पर पहली बार डिंपल यादव ने मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। मायावती को जब लगा कि बीजेपी डिंपल यादव को हराना चाहती है, तो खुद माँ की तरह डिंपल यादव को जिताने के लिए सामने आकर खड़ी हो गई। डिंपल यादव की हार को मायावती ने कैसे जीत में बदल दिया, इसकी पूरी कहानी समझिए। मुलायम सिंह यादव ने जब से समाजवादी पार्टी बनाई, उसके बाद से मैनपुरी में कभी भी समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं हारी, लेकिन 2019 में जीत का आंकड़ा बहुत कम हो गया था और तब मुलायम सिंह यादव सिर्फ 94,000 वोटों से ही चुनाव जीते थे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद बीजेपी ने मैनपुरी सीट छीनने के लिए अपना प्लान तैयार किया था। सबसे पहले अपर्णा यादव को भेजने की तैयारी की थी, लेकिन दावा किया जाता है कि अपर्णा यादव ने खुद अपने परिवार के सामने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। मैनपुरी में सबसे ज्यादा यादव मतदाता है, इसके बाद दूसरे नंबर पर शाह के मतदाता है। बीजेपी ने अपना दांव चला और डिंपल यादव को हराने के लिए रघुराज शाह को मैदान में उतार दिया था। अखिलेश और डिंपल यादव को भी लगने लगा था कि इस बार चुनाव हार ना जाए, यही वजह थी कि आखिरी वक्त में शिवपाल यादव को भी शामिल किया गया। सूत्र बताते हैं कि इसी दौरान मायावती ने खुद डिंपल यादव को फोन किया था। इसके बाद डिंपल को चुनाव जिताने के लिए मायावती ने अपना कोई भी कैंडिडेट मैनपुरी में नहीं उतारा। मैनपुरी में पिछले 25 साल से ना तो बीजेपी का कैंडिडेट जीता और ना ही बीएसपी का। मैनपुरी में रहने वाला 25% पिछड़ा वर्ग वोटर हमेशा मायावती के साथ खड़ा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने भी मैनपुरी में जाकर रैलियां की, लेकिन इसके बाद भी दलित और पिछड़ा वर्ग मायावती के इशारे पर डिंपल यादव की पक्ष में चला गया और डिंपल यादव ने अपने ससुर का रिकॉर्ड तोड़कर 1,00,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली। ये तस्वीर 3 साल पुरानी है, जब मायावती से डिंपल यादव एक मंच में मिली थी और तब डिंपल यादव ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। मुलायम और अखिलेश यादव से भले ही मायावती दुश्मनी मानती हैं, लेकिन डिंपल यादव के लिए माँ की तरह सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। यही वजह है कि मैनपुरी में सारे रिकॉर्ड इस बार टूट गए। मायावती अगर मैनपुरी में अपना कैंडिडेट उतार देती तो शायद डिंपल यादव चुनाव हार जाती, लेकिन अपने एक फैसले से मायावती ने साबित कर दिया कि सपा से दुश्मनी भले हो, लेकिन डिंपल यादव के लिए मायावती कुछ भी कर सकती है। इस बार डिंपल यादव की रिकॉर्ड जीत को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं। योगी यू के लिए रिपोर्ट।